हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एडिटोरियल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है द नंबर्स गेम। इसमें है कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहली बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है एक इंडियन जज जो है इलेक्ट हुए हैं। तो ये आर्टिकल उस पर बेस्ड है। सेकेंड आर्टिकल है पिल टॉक। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे है ये, जिसको WHO ने अर्जेंट ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी बताया है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के टाइम पे उतनी ही बड़ी समस्या है जितना कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम टू चेंज द हाउस रूल्स। तो जैसे आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो इस टाइम होना था उसकी अभी तक जो है कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो इसके चलते जो है यहाँ पे ये आर्टिकल दिया गया है कि कुछ रूल्स जो है हमें चेंज करने होंगे। वो रूल्स इस आर्टिकल में डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं तभी डिस्कस करूंगी जब ये आर्टिकल करेंगे हम लोग। उसके बाद फार फ्रॉम कीपिंग द वर्ल्ड सेफ, तो ये जो है क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड आर्टिकल है। अभी जो 23rd मीटिंग हुई है यूएनएफसीसीसी की बॉन जर्मनी में। ठीक है, बॉन जो जगह है जर्मनी में, तो नवंबर 6 से 17 जो है ये मीटिंग थी। तो अभी रिसेंटली ही ये कॉन्क्लूड हुई है। तो इसमें क्या क्या इसके मेजर हाइलाइट्स हैं और क्या इसमें डिस्कस हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है क्लाइमेट चेंज को जो है माइग्रेशन से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन होता है। अक्सर देखा गया है कि ट्रम्प जो है वो जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमेशा रहते हैं। तो ये चीज़ बताई गई कि खुद ट्रम्प के जो फैमिली है वो अपना ओरिजिन जो है वो जर्मनी से ट्रेस करती है, यानी कि उनकी फैमिली ने कभी US में एक ऐसे माइग्रेट किया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है मूडीज अपग्रेड जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, तो उस पर फिर से आर्टिकल है। तो उसके क्या क्या मतलब उससे क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे और क्या हमने एक्सपेक्ट किया है, क्या उतना ही रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये आर्टिकल ये यहाँ पे डेटा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा डेटा पॉइंट है। यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी कंट्रीज में जो है इंडिया में रिफ्यूजी, कितने परसेंट रिफ्यूजी किस किस कंट्री से हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैं दलबीर भंडारी और ये हैं क्रिस्टोफर ग्रीनहुड। ठीक है, तो ये UK के कैंडिडेट थे एंड ये जो है इंडिया के कैंडिडेट थे। ठीक है, तो अभी UK ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया। क्या क्यों विड्रॉ कर लिया अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो है, और दलबीर भंडारी जो है अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट टाइम इंडियन जज होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है कि 15 जज होते हैं टोटल। 15 जज में से 5 जजेस हर 3 साल के गैप में, मतलब आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, तो 5 जज जो है वो इलेक्ट होते हैं एवरी 3 ईयर्स के गैप में। जो है 5 जजेस इलेक्ट होते हैं। इस बार जो है ये जो 5 जजेस इलेक्ट होने थे, तो इसके लिए जो है 6 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, तो उसमें से जो है हम दलवीर भंडारी भी उन्हीं में से एक थे। तो बाकी की जो 4 पोजीशंस हैं जज की वो स्मूथली भर गई, लेकिन जो लास्ट वाली है उसमें जो है कंटेस्ट हुआ किसके बीच में, UK और इंडिया के बीच में। और UK जो है परमानेंट 5 कंट्रीज में आता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऑर्डिनरी कंट्री जो है वो परमानेंट कंट्री से जीत गई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जिस को जीतना होता है, जो एक तरह से जिस कैंडिडेट को जीतना होता है उसको UNGA और UNSC दोनों में जो है मेजोरिटी हासिल करनी होती है। ठीक है, UNSC में भी 15 मेंबर्स होते हैं और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं उनके परमानेंट 5 जो कंट्रीज हैं उनके कैंडिडेट्स होते हैं, और यहाँ पे जो है 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स के कैंडिडेट्स हैं। मतलब यहाँ पे परमानेंट 5 कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे नॉन परमानेंट कंट्रीज के 10 मेंबर्स होते हैं। तो अब इसके चलते क्या हुआ कि UNGA में इंडिया को इजिली जो है 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी। ठीक है, लेकिन UNSC में जो है क्रिस्टोफर ग्रीनहुड को मेजोरिटी मिली हुई थी। लेकिन फिर UK ने ये बात बोली कि हम जो है कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म अपनाना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म हम अपनाना चाहते हैं जिसमें से क्या होगा कि 3 मेंबर UNGA के होंगे और 3 मेंबर जो है
यूएनएससी के, मतलब एक पैनल बनेगा जिसमें 3 मेंबर जो है यूएनजीए के होंगे और 3 मेंबर्स जो है वो यूएनएससी के होंगे, और फिर वो जज इलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो यूके का जो प्रपोजल था कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म का, और जो इन्होंने यहाँ पे ये बात की थी, तो इससे क्या है, कुछ यूएनएससी के जो मेंबर्स थे वो कुछ इसके फेवर में नहीं हुए, ठीक है। तो और वो सपोर्ट फिर जो है दलवीर भंडारी को मिल गया। तो इस तरह से दलवीर भंडारी ने दोनों यूएनजीए और यूएनएससी दोनों में उनको जो है एक तरह से मेजोरिटी मिल गई। एंड मोरोवर जो है यूके ने जो है अपने अपने जो उनके कैंडिडेट थे क्रिस्टोफर ग्रीनवुड, उनका जो है एक तरह से विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो फाइनली जो है दलवीर भंडारी जो है इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इलेक्ट हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई ऑर्डिनरी कंट्री जो है परमानेंट 5 के किसी कंट्री से जीत गया है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है इनको किया डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, ठीक है। जो यूएनजीए में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है इंडिया को मिला वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से मिला, ठीक है। उसके बाद तो ये था ये आर्टिकल, इसमें और कुछ नहीं है, यही चीज़ बताई हुई है। उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो है हमें कुलभूषण जाधव केस में जो है कुछ एक तरह से इस क्योंकि इंडियन जज अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, तो एक कुलभूषण जाधव केस में जो है हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। उसके बाद टाइम टू चेंज द हाउस रूल्स। तो जैसा कि सबको पता है कि अभी तक जो है विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है गुजरात इलेक्शंस के चलते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की है कि कुछ रूल्स जो है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया था क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्शंस को एक तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है, ठीक है, स्क्रूटनी होती है उसकी। तो इसलिए जो है बी आर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट किया था क्योंकि उसमें हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को जो है एक तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है क्वेश्चंस की फॉर्म में, रेजोल्यूशन की फॉर्म में, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की फॉर्म में, एडजर्नमेंट मोशंस की फॉर्म में, डिबेट ऑन एड्रेसेस, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट किया था, लेकिन ये बात एज्यूम की गई थी कि फ्रीक्वेंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्स होंगी, मतलब गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंट सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट तो होनी चाहिए, तभी तो उनको, जब पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गुजरात इलेक्शंस के चलते अभी तक गवर्नमेंट ने जो है इनकी इसकी पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन है उसकी डेट ही अनाउंस नहीं करी है। तो जब पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा ही नहीं तो गवर्नमेंट जो भी एक्शंस लेती है या जो भी काम कर रही है, जो भी प्रोग्रेस कर रही है, उस पे जो है स्क्रूटनाइज नहीं किया जा सकता। तो ये बात है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ही होते हैं जो पार्लियामेंट का सेशन समन करते हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे एक्ट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 चीज़ें दी गई हैं कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन 2 सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की 2 सिटिंग्स के बीच में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो प्रेसिडेंट है वही समन करते हैं, और दूसरी जो ओके okay, पहली चीज़ प्रेसिडेंट समन करते हैं पार्लियामेंट का सेशन, दूसरी चीज़ कि प्रेसिडेंट जो है एक्ट करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही जो है पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड चीज है कि दो पार्लियामेंट सिटिंग्स के बीच में 6 मंथ्स का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन 2 सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इसमें जो है और यही केस जो है चीफ मिनिस्टर केस में भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी तब जो है 125 से 140 डेज की सिटिंग होती थी, ठीक है, हर साल। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि इन द इनिशियल ईयर ऑफ आर रिपब्लिक लोकसभा सेट फॉर अबाउट 125 to 40 डेज अ ईयर, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इतनी कनेक्टिविटी नहीं होती थी तब हम लोग जो है तब पार्लियामेंट इतने टाइम एक तरह से बैठती थी, और अभी जब इंडिपेंडेंस के बाद अब जब इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है तो सिर्फ 65 to 75 डेज पर ईयर। तो मतलब एक तरह से ये कम होता जा रहा है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लूप होल लगा, तो उसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि इन्होंने पहली चीज़ जो सजेस्ट की है वो इन्होंने बोला है कि हमें डाइल्यूट करना होगा यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल, ठीक है, कि जो एक तरह से डेट्स अनाउंस करती है जैसे कि अभी गवर्नमेंट, तो हमें गवर्नमेंट का रूल जो है, गवर्नमेंट का जो एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है गवर्नमेंट की इस टाइम पे, तो उसे जो है डाइल्यूट करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि एक कैलेंडर जो पहले से ही मतलब साल के शुरुआत में ही एक कैलेंडर पहले से बता दिया जाए कि कब कब सिटिंग्स होनी है, ठीक है, कब कब पार्लियामेंट के सेशन होने हैं, कब के कब कब सिटिंग्स होंगी, तो ये चीज़ पहले ही बता दी जाए तो सब उसी हिसाब से जो है आगे अपनी फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और दिल्ली के बीच में जो है एक तरह से ढंग से प्लान कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कभी कभी एडिशनल सिटिंग्स हो जाती हैं, तो एक तरह से जो कि पहले प्लान नहीं होता है, तो उससे जो है क्या है उनके काम पर इफेक्ट होता है, ठीक है, तो पहले से ही एक साल के शुरुआत में ही एक कैलेंडर जो है दे देना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये पार्लियामेंट के सेशन है, इस टाइम पे ऐसे ऐसे जो है पार्लियामेंट मीट करेगी। तो इसी तरह का एक इसका वेरिएंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट यूज़ कर रही है। उसके बाद थर्ड जो इन्होंने ऑप्शन दिया वो एक पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐसी है, इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी कभी भी पार्लियामेंट सेशन जो है बुला सकती है, ठीक है, तो 14 डेज के अगर 1/4 ऑफ मतलब मेंबर्स अगर जो है डिमांड करते हैं कोई सेशन, तो वो जो है 14 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट समन करनी चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पे बोलिए कि एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी डिसाइड करे कि कब मतलब अगर अगर 1/4 मेंबर्स ने बोल दिया कि हाँ हम अभी एक सेशन रखना है, तो जो है 14 डेज के अंदर अंदर सेशन होना चाहिए। तो ये तीन काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने इसमें लिखी है कि इट ऑल्सो स्टेट्स दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट 130 डेज एवरी ईयर एंड शुड बी एटलीस्ट थ्री सेशन, तो तीन सेशन कम से कम होने चाहिए और 130 डेज जो है हर साल पार्लियामेंट को बैठना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था कि ए सिंपल सॉल्यूशन इज़ टू हैव अ कैलेंडर ऑफ सिटिंग्स अनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है, दिस वुड हेल्प मेंबर्स एंड अदर्स प्लान बिटवीन फॉर द होल ईयर, तो पूरे पूरे साल की प्लानिंग जो है उस हिसाब से हो सकती है। तो ये इस आर्टिकल में दिया गया था। उसके बाद पिल टॉक, तो जैसे कि मैंने बोला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के टाइम पे मैंने क्या यहाँ पे WHO ने बोला है कि ये अर्जेंट ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी बन चुकी है, मतलब ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये UNSC इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, देखो टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन यू डोंट नीड देम स्प्रेड अप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, क्या होते हैं ये देखते हैं आगे। तो जैसे कि WHO ने बोला कि अर्जेंट ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी है, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो आपको प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो प्रिवेंट करती हैं या ट्रीट करती हैं तो दैट इज एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करता है इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ दीज मेडिसिन, मतलब आप तो वो मेडिसिन ले लेते हो और जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप को चेंज करता है, मतलब वो अपने आप को उतना रेजिस्टेंट कर लेता है कि बाद में अगर आप वो वही एंटीबायोटिक अगर आप बाद में लोगे तो उस बैक्टीरिया पे जो है कोई असर नहीं होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर वेन बैक्टीरिया चेंज इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ दीज मेडिसिन। तो इसके बाद बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है ह्यूमन या एनिमल नहीं, ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया तो उसके बाद अगर आप वही एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उस पर उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आप ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इससे जो है ये है कि बहुत ही सिंपल 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 जो बीमारियां हैं उस वो भी एक तरह से एक भयानक रूप ले लेंगी और उससे भी जो है डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ इसलिए जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, देखो यहाँ पे लिखा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लीड्स टू हायर मेडिकल कॉस्ट, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज एंड इंक्रीज मोर्टैलिटी। ठीक है, तो मेडिकल कॉस्ट का तो समझ में आता है, जब आप ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहोगे तो मेडिकल मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज एंड इंक्रीज मोर्टैलिटी यानी कि डेथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक पुट्स अस ऑल एट ए रिस्क। तो इसमें कोई एज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज के लोग जो है इससे इम्यून है, कोई स्पेसिफिक कंट्री के लोग इससे इम्यून है, मतलब ये कहीं पे भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू ट्रीट। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस दवाई से, तो दिस मतलब कोई सिंपल बीमारी भी जो है एक किलर इन्फेक्शन के रूप में बन सकती है। ठीक है, और सिंपल इसको इसको अवॉइड करने का तरीका यह है कि ऑलवेज सीक द एडवाइस ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कभी भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले जो है डॉक्टर से कंसल्ट करो, और अगर डॉक्टर नहीं रेकमेंड कर रहा है तो उसको उसको ज़बरदस्ती मत फोर्स करो कि एंटीबायोटिक दो ही हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इस आर्टिकल में दिया हुआ था। और इसमें और कुछ, और कभी भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि मैनी ऑफ द 4,10,000 इंडियन चिल्ड्रन हु डाई ऑफ निमोनिया ईच ईयर डू नॉट गेट एंटीबायोटिक। तो किसी को मिलती नहीं है, और कोई कोई किसी को मिलती है तो वो उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस आर्टिकल में दी हुई गई। और यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एम टू रिपीट सच सक्सेस इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा ऐसा बैन एक बार प्रपोज किया गया था 2011 में, लेकिन जो है इसको इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फेस करना पड़ा। तो एक तरह से पूरी की तो पूरा पूरा बैन भी नहीं लगा सकती है इस पे गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो है ये कंज्यूमर्स के हाथ में है कि वो किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। फार फ्रॉम कीपिंग सेफ, तो जैसे कि मैंने बोला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23rd मीटिंग जो है UNFCCC की, वो अभी November 17 को बॉन जर्मनी में कॉन्क्लूड हुई है। की टॉपिक ऑफ कंटेंशन वर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सपोर्ट, मिटिगेशन एक्शन एंड डिफरेंशिएशन एंड लॉस एंड डैमेज। ठीक है, तो क्वेश्चन जो उठाए गए वो यही हैं कि आर डेवलप्ड कंट्रीज गोइंग टू डू देयर फेयर शेयर टू सपोर्ट पुअर एंड एमर्जिंग कंट्रीज हैविंग ऑक्यूपाइड द, मतलब क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के टाइम से जो है एमिशंस कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो उस टाइम पे भी या तो एक तरह से कॉलोनियल उस पावर में थी, या जो है मतलब वो जो उस टाइम पे भी जो फ्री नहीं थी, या जिन जिन कंट्रीज में उतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ ही नहीं, रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो जो इस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास ना ही इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो जो है मतलब एमिशन जो है अपना कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज इनकी मदद करें तो हाँ, ज़रूर ये चीज़ पॉसिबल है, और डेवलप्ड कंट्रीज अपना भी एमिशन जो है वो कम करें, क्योंकि एक तरह से मेजर शेयर जो है इस टाइम पे ग्रीन हाउस गैसेस का वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज का है। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इसको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएं, और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर पाएं। ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल अगर एक कलेक्टिव एक्शन लिया जाए तो पॉसिबल हो सकता है। तो वॉट एक्शंस हैव दस फॉर बीन टेकन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय रिच कंट्रीज। ठीक है, तो शुडेंट देयर बी एनी ग्रेटर एम्फेसिस टू फेज आउट कोल। कोल अभी तक फेज आउट नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बात है, तो स्पेशली चाइना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उन्होंने वैसे ही अपना इंटेंट ऑफ विड्रॉल दिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि 2005 to 12 जो है वो फर्स्ट फेज था, उसके बाद सेकेंड फेज अभी चल रहा है जो 2013 से 20 तक। ठीक है, 20 तक चलेगा, और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है वो 2020 to 2030 तक है। ठीक है, उसका उसका जो एक ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक टू द UNFCCC विच कमिट्स इट्स पार्टीज बाय सेटिंग इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कमिट एंड इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स।
तो रिकॉग्नाइजिंग दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द एटमोसफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ मोर देन 150 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, द प्रोटोकॉल प्लेसेस अ हैवियर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा बर्डन जो है इसका डेवलप्ड नेशन पे आता है, ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, सीबीडीटी के अंडर जो है ज़्यादा एक मेजर शेयर जो है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की आती है। आगे चलते हैं, तो हाइलाइट्स क्या हैं अब इस बॉन कॉन्फ्रेंस की, पहले तो यही कि ये डिस्कस हुआ है कि एक्शंस ऑन द प्री 2020 क्योटो पीरियड, ठीक है, वर एडेड टू द एजेंडा इन फर्स्ट वीक ऑफ बॉन मीटिंग। उसके बाद लॉस एंड डैमेज की बात यहाँ पे की गई है, तो ये तो वॉर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज टू एड्रेस द डिस्ट्रक्शन लाइकली फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे डिस्ट्रक्शन भी होगी, कहीं पे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स, इनफैक्ट अभी भी पिछले कुछ कपल ऑफ ईयर्स में देखने को मिला है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एक तरह से ड्राउट हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, ठीक है, तो सिवियर स्टॉर्म और सी लेवल राइज। तो अब इसका जो इम्पैक्ट, इस जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो किसको उठाना पड़ रहा है, जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज, उसके बाद फाइनेंस टेक्नोलॉजी बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर पुअर कंट्री, तो ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डेवलपिंग कंट्री, सॉरी, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर पुअर कंट्री, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज की, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टू हेल्प देम मूव अलॉन्ग अ लो कार्बन पाथवे, ठीक है, तो जो है एक तरह से उनको, जैसे अभी सी लेवल राइज कर रहा है तो उसमें जो जितने भी आइलैंड नेशंस हैं एक तरह से उस उन पे जो है थ्रेट है इस टाइम पे, ठीक है, तो मोरोवर जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, एक तो इंडिया को भी एक तरह से, ऑल्दो इंडिया अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब सोलर एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद विंड एनर्जी, ठीक है, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड तो ISA सबने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने फ्रांस के साथ जॉइंटली लॉन्च किया है, तो इंडिया खुद अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसके बाद एडवांसेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच अपीयर टू हैव स्टेबलाइज्ड फॉर फ्यू ईयर्स प्रोबेबली फॉर इकोनॉमिक रीजंस रोज बाय 2% इन 2017, तो 2017 में जो है 2% और ज़्यादा बढ़ गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और स्पेशल यहाँ पे जो है परहैप्स ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स इन चाइना, तो यहाँ पे चाइना के जो कोल पावर प्लांट्स हैं, मतलब कोल को यूज़ करके जो पावर जनरेट की जा रही है, तो उसकी वजह से जो है 2% और ज़्यादा बढ़ गया है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो इसलिए जो है कोल को फेज आउट करने की बात यहाँ पे की गई कि कब पूरी दुनिया, मतलब ग्लोबली जो है कोल का यूज़ कब फेज आउट हो पाएगा इनफैक्ट, और इसके इसी की कॉन्ट्राडिक्टरी जो है अभी US में एक मीटिंग हुई है, तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना तो ये है कि मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अमेरिकन जॉब्स की बात तो वह वैसे ही करते हैं, तो इनका कहना ये है कि यहाँ से जो है ज़्यादातर जॉब्स मिलेगी अमेरिकन को, तो यहाँ पे इनकी इसकी इम्पोर्टेंस के लिए एक तरफ दुनिया सोच रही है कि कोल का यूज़ और फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है रिड्यूस किया जाए ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके, अर्थ को बचाया जा सके, दूसरी तरफ US में इस तरह की मीटिंग हो रही है, तो परहैप्स ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो चाइना की वजह से, तो उसके बाद बॉन मीटिंग सॉ द लॉन्च ऑफ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, ठीक है, विच वॉज लेड बाय कैनेडा एंड द UK एंड ज्वाइंड बाय न्यूमरस कंट्रीज एंड सब स्टेट एक्टर्स, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे ये वाला आर्टिकल जो मैंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे है कि कुड द प्रेसिडेंट्स री रीडिंग ऑफ हिज फैमिली हिस्ट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सेव द पेरिस डील, तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरह से उनकी अगर फैमिली को ट्रेस करें तो उनका ओरिजिन जो है वो यूरोप में किसी कंट्री से है, जर्मन, हाँ सॉरी, जर्मन जर्मन मतलब जर्मनी से जो है ओरिजिनली वो एक तरह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री अगर ट्रेस की जाए तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि
वो अक्सर जोर देते हैं माइग्रेंट्स पे कि माइग्रेंट्स आके जो है यहाँ पे यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, यहाँ की जॉब्स ले लेते हैं। तो एक चीज़ देखी गई कि वो ऐसे देखा जाए तो वो खुद ही एक तरह से माइग्रेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यही सब यहाँ पे बताया गया। मोर ओवर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे ये यह बताया गया कि जब जब जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है तब तब माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो इसको एक तरह से क्लाइमेट रिफ्यूजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक लिटिल आइस एज की बात की गई है। लिटिल आइस एज की टाइमिंग जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स मतलब अपने अपने तरफ से, और सबके अलग अलग टाइमलाइन है। कोई बोलता है कि 1300 AD से जो है 1830 तक जो है लिटिल आइस एज थी। तो इसमें यहाँ पे है कि कोल्ड पीरियड नोन एज लिटिल आइस एज, द पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन ग्लेशियर एंड नंबर ऑफ चिली विंटर्स एंड कूल समर्स एज वेल एज अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्राउट एंड फ्लड्स। तो इसकी वजह से भी माइग्रेशन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तंबोरा वोल्केनो इन इंडोनेशिया इन 1815। तो ये वोल्केनो इतना ज़्यादा बड़ी इंटेंसिटी में इरप्शन हुआ था कि एटमोसफेयर में वोल्केनिक ऐश जम गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है 1816 में माइग्रेशन देखा गया। 1816 को बोलते हैं द ईयर विदाउट अ समर, ठीक है। वॉज वेट एंड कोल्ड कॉजिंग वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर फेमीन एंड एमिग्रेशन। तो इसकी वजह से भी जो है माइग्रेशन हुआ। उसके बाद 1846 में, ये तो वेट एंड कोल्ड था, यहाँ पे ये जो है एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई समर की वजह से भी माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। तो 1846, फिर लिटिल आइस एज। तो ये इन सब के चलते जो है, लिटिल आइस एज के चलते जो है बहुत सारे जर्मन्स ने जो है नॉर्थ अमेरिका में मूव किया था। तो ये चीज़ दिखाई गई कि कैसे क्लाइमेट चेंज से जो है माइग्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है। और आज के टाइम पे जो है, जैसे आज के टाइम पे जैसे क्लाइमेट चेंज हो, जैसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, तो उससे जो है सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है सी लेवल राइज करने की यहाँ पे संभावना है। और देखा जाएगा आगे कि जो है बहुत ज्यादा जो आइलैंड नेशंस हैं तो उसमें से लोग अब माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे लिखा है सिंस फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू लीड मास माइग्रेशन, यानी कि क्लाइमेट रिफ्यूजी एज सी लेवल राइज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज फ्लड ड्राउट हरिकेन बिकम मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो और जो एक सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि बॉन जर्मनी में जो अभी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है तो उसमें जो है इस बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई है, ठीक है। तो देयर वॉज नो प्रोग्रेस ऑन लेइंग डाउन अ क्लियर रोड मैप ऑन मेकिंग पेरिस एग्रीमेंट ऑपरेशनल बाय 2020। तो इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन ऑन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं बोल रही थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन ऑन इम्पैक्ट सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। तो ये तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल, ये था इस आर्टिकल में। उसके बाद मूडीज थम्स अप टू रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, तो उसने इंडिया की सोवरिग्न रेटिंग जो है उसको अपग्रेड किया है। तो इसके चलते यहाँ पे था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी रेटिंग्स जो है वो अपग्रेड हो गई हैं। तो मूडीज ने बोला था कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं उसको देख के हमने जो है अपग्रेड करी है रेटिंग। तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे GST हो गया, और यहाँ पे जो है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक्स जो अभी गवर्नमेंट ने बोला था, तो इनके चलते जो है मूडीज ने रेटिंग्स अपग्रेड कर दी हैं। तो यहाँ पे है कि जबकि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है वो हाई होता जा रहा है। एनीवेज, तो ये देखा, ये बोला गया था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसी एजेंसीज की रेटिंग जो है देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग असेसमेंट करते हैं, और कुछ होते हैं जो जिनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि होर्ड्स ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर इंस्टांस हैव इन्वेस्टेड इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटलुक ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो हालांकि ये रेटिंग अपग्रेड होने के बाद भी बॉन्ड मार्केट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ल्यूक वार्म है, मतलब ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा एक तरह से वो नहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा इसमें एकदम से अचानक से बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं दिखाई दिया। तो बहुत ही ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो उसके बाद
यहाँ पे यही है कि मूडीज एक्सपेक्ट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ए वाइडर टैक्स बेस। तो हाँ, टैक्स बेस तो इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली बात है, जीएसटी जब जब से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो गवर्नमेंट वाइड रेंजिंग रिफॉर्म प्रोग्राम्स टू लीड अ सब्सटेंशियल राइज इन टैक्स कलेक्शन, तो यही चीज यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं डेटा पॉइंट। तो रिफ्यूजीज इन इंडिया, तो एज ऑफ 2016 अकॉर्डिंग टू UNHCR एस्टिमेट, देयर आर क्लोज टू 2 लाख रिफ्यूजीज इन इंडिया, ठीक है। ऑफ देम ऑलमोस्ट 99% आर फ्रॉम 4 कंट्रीज, मतलब इंडिया में 99% रिफ्यूजीज जो हैं वो हैं चाइना से, श्रीलंका से, म्यांमार से एंड अफगानिस्तान से। तो ये चीज़ जो है, ये टॉप 4 कंट्रीज हैं जो कि 99% ऑफ रिफ्यूजीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। बाकी सोमालिया से इतना नहीं है, इराक से भी इतना नहीं है, सूडान से भी नहीं है, पैलेस्टीन से भी नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से भी नहीं है, सीरियन अरब रिपब्लिक से भी नहीं है। तो करीब करीब 2 लाख रिफ्यूजीज जो हैं इस टाइम पे इंडिया में रह रहे हैं। तो ये था डेटा पॉइंट, ये थी आज के एडिटोरियल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।